जो पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर है वो क्या है आपके पास टू थ्री सेवन एट को छोड़ के हैं सारे के सारे यानी कि वी नो वी नो पॉसिबल यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स आर वन पहले जीरो जीरो वन हो गया टू नहीं आएगा थ्री नहीं आएगा फोर आ सकता है फाइव आ सकता है सिक्स आ सकता है सेवन नहीं आएगा एट नहीं आएगा नाइन आ सकता है ये आपके पास नंबर है सो so, अगर मैं यहाँ पर रूट ऑफ वन लिखू तो आंसर कितना आएगा वन रूट ऑफ सिक्सटीन लिखू तो आंसर कितना आएगा फोर रूट ऑफ थर्टी सिक्स लिखू तो आंसर कितना आएगा सिक्स यानी यही चीज उल्टी हो गई अब अगर इन वैल्यूज के आपके पास प्रोबेबली जो यूनिट डिजिट है वन सिक्स सिक्स है तो इनके प्रोबेबली जो आपके पास वन डिजिट आएंगे स्क्वायर रूट निकालने पर वो भी क्या आएंगे जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन इसी तरीके से आएंगे बिल्कुल तो अगर फर्स्ट केस मैं डिस्कस करूं नाइन एट जीरो वन वॉट कुड बी द पॉसिबल डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है नाइन एट जीरो वन का तो इसका जो पॉसिबल यूनिट डिजिट आएगा वो वन का क्या आना चाहिए वन आना चाहिए सेकंड केस देखो रूट डबल नाइन एट फाइव सिक्स ठीक है सिक्स के लिए यूनिट डिजिट कितना बन रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना दिख रहा है सिक्स दिख रहा है क्लियर है यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे तो जो पॉसिबली जो मुझे नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है यहाँ पर इसके लिए यूनिट डिजिट में सिक्स है थर्ड केस देखो रूट में डबल नाइन एट डबल जीरो वन इसके लिए यूनिट डिजिट कितना होगा वन फोर्थ केस देखो रूट में है सिक्स फाइव सेवन ट्रिपल सिक्स जीरो टू फाइव केवल हमें यूनिट डिजिट बताना है केवल यूनिट डिजिट कितना होगा फाइव तो दीज आर द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट ऑफ गिवेन स्क्वायर रूट्स क्लियर है यहां पे दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री